दोस्तों, अमेरिका ने एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने उसके अधिकारियों को धमकी दी है। उसने अमेरिकी अधिकारियों को भारत चीन रिश्तों पर कुछ न कहने की चेतावनी दी है। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत के साथ बॉर्डर पर भी टेंशन कम करना चाहता है। इसके पीछे चीन का मकसद साफ समझ में आ रहा है। चीन नहीं चाहता कि भारत और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ें। चीन को आशंका है कि अगर भारत और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ीं, तो हो सकता है कि भारत चीन के साथ अपने रिश्तों में कटौती कर दे। ऐसा हुआ तो चीन के ट्रेड यानी भारत और चीन के बीच के व्यापार पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या लिखा गया था पेंटागन की रिपोर्ट में। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने हिंद महासागर पर अपना दबदबा बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अड्डे बनाने की योजना पर अमल करना शुरू कर दिया है। चीन भारत के पड़ोस में श्रीलंका, पाकिस्तान, थाईलैंड जैसे देशों में अपने सैन्य केंद्र बनाने की इच्छा रखता है। चीन की नौसेना ने भारत से सटे हिंद महासागर के समुद्री इलाके में पनडुब्बियों की तैनाती की है। यही नहीं, चीन ने BRI के तहत हिंद महासागर में कई विदेशी बंदरगाहों पर पहुंच बना ली है। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चीन की सेना लगातार अपनी परंपरागत ताकत को बढ़ाने में जुट गई है। ड्रैगन ने अपनी परमाणु ताकत को न केवल आधुनिक बनाने की प्रक्रिया को तेज किया है और उसमें विविधता और विस्तार भी किया जा रहा है। इसके अलावा चीन स्पेस और साइबर स्पेस में भी अपनी क्षमता को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। चीन की नजर साल 2027 तक ताइवान के एकीकरण की है। भारत चीन बॉर्डर का जिक्र करते हुए पेंटागन ने लिखा कि 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई। बावजूद इसके चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC में सैनिकों की तैनाती की। LAC के बारे में बता दें कि एक प्रकार की युद्ध विराम रेखा है। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थीं, उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया। यानी चीन LAC के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। दोनों देशों के बीच कई बार सैन्य स्तर की बातचीत हुई, पर इसका कोई नतीजा नहीं निकला। क्या हुआ था गलवान की घाटी में? आपको बताते चलें कि अप्रैल मई 2020 में चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा कर लिया था। इसके बाद कई जगह पर घुसपैठ की घटनाएं हुईं। भारत सरकार ने भी इस इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि 4 दशक से ज्यादा वक्त बाद LAC पर गोलियां चली। इसी दौरान गलवान घाटी में 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। चीन के सैनिकों ने रात के समय कांटेदार तारों से लिपटे रॉड और डंडों से भारतीय सैनिकों पर हमला किया। भारत और अमेरिका की नजदीकियों से क्यों डर रहा है चीन? दरअसल भारत चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2021 में भारत का चीन के साथ व्यापार 9.3 लाख करोड़ रुपए था। भारत ने इस दौरान चीन से 7.2 लाख करोड़ रुपए का आयात किया था। यानी चीन से इतने पैसे का सामान भारत ने खरीदा। भारत ने इस दौरान सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए का चीन को निर्यात किया, यानी इतने पैसे का सामान चीन को बेचा गया। भारत मुख्य रूप से चीन से इन चीजों पर निर्भर है। आयरन ओर यानी लौह अयस्क, पेट्रोलियम ईंधन, कार्बनिक केमिकल, रिफाइंड कॉपर, कॉटन यार्न, ऐसी तमाम चीजें हैं जिनके मामले में भारत चीन पर निर्भर है। खाद्य वस्तुओं में मछली, सी फूड, काली मिर्च, वनस्पति तेल, वसा आदि प्रमुख हैं। इसलिए चीन को डर है कि अगर भारत ने उससे अपने रिश्ते कम किए तो उसे ट्रेड के मामले में काफी नुकसान होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पर टैप कर दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें।